अस्सलाम, आज मैं आपके साथ शेयर करी हूँ भुना खीमा की रेसिपी। और इतना आसान भुना खीमा आपने पहले नहीं बनाया होगा, जो बहुत ही टेस्टी भी बनेगा और साथ ही साथ बस आपको एक साथ सब मिक्स करके चढ़ा देना है गैस के ऊपर और फिर आपका भुना खीमा हो जाएगा तैयार। तो ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने एक पैन ले लिया है और ये देखिए खीमे को मैंने 500 ग्राम जो खीमा लिया था मैंने उसे मैंने वॉश करके छन्नी में रखा था ताकि जो खीमे का पानी होता है वो सारा निकल जाए। तो ये खीमा हम डायरेक्ट पैन में ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे एक ग्लास पानी, क्योंकि खीमे से भी थोड़ा थोड़ा पानी रिलीज़ होगा तो उतने में खीमा हमारा गल जाएगा। तो एक ग्लास मैंने इसमें ऐड कर दिया है पानी। साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे दो मीडियम साइज़ की प्याज बारीक कटी हुई, और प्याज के साथ साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे एक बड़ा टमाटर बारीक कटा हुआ, 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार, 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। हमें इसमें एक साथ ही ऐड करके भून लेना है सारी चीज़ें एक ही साथ। तो यहाँ पर पानी भी मैंने ऐड कर दिया है, बस पहले हमें इसे पका लेना है ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरीके से गल जाएंगी। और अगर आपको कुछ साइड में काम है तो आप वो भी कर सकते हैं और ये बहुत ही झटपट आपका कीमा भी तैयार हो जाएगा और आप बहुत ही टेस्टी भी बनेगा। तो ये देखिए सारी चीज़ें मैंने इसमें मिक्स कर ली है और अब हम इसे पकने रख देंगे। तो यहाँ पर उससे पहले मैं ऐड कर रही हूँ तेल, तो हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून तेल और मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद अब हम ढक्कन ढक कर रख देंगे 30 से 35 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से गल जाए। तो ये 30 से 35 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए कीमा हमारा अच्छे से गल गया है और जो पानी था वो भी पूरा ड्राई हो गया है, सारी चीज़ें गल गई है, टमाटर और जो हमने प्याज डाली थी वो। तो यहाँ पर अब हम इसे एक मिनट के लिए हाई फ्लेम पर भून लेंगे। जब इस तरह से तेल रिलीज़ हो जाए तब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून देसी घी और साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे 100 ग्राम दही। दही को मैंने अच्छे से बीट कर लिया है, उसमें कोई भी लम्स नहीं है। और हरी मिर्ची हम इसमें ऐड करेंगे, तो यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्च ऐड की है कटी हुई। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो आप हरी मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। 1/2 इंच मैंने लिया था अदरक, जिसे मैंने जूलियन में कट कर लिया है, उसका टेस्ट खीमे में बहुत अच्छा आता है, वो ऐड करेंगे। और फिर से सारी चीज़ों को हम मिक्स करते हुए भूनेंगे। हाई फ्लेम पर हमें भुनना है, तो जब तक कि 2 मिनट मैंने हाई फ्लेम पर भुना और फिर से हम इसे ढक के रख देंगे ताकि दही का भी पूरा पानी जो है वो ड्राई हो जाए। तो हम इसे 5 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर। और ये देखिए सरफेस पर तेल आ गया है और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टेबल स्पून गर्म मसाला पाउडर और कटा हुआ हरा धनिया और मिक्स करते हुए फिर से भूनेंगे। तेल रिलीज ही होने तक हमें फिर से भुनना है। तो ये देखिए हाई फ्लेम पर ही मैं भून रही हूँ और झटपट हमारा ये खीमा बनकर तैयार हो जाएगा। आपको बहुत ही मज़े का भी बनता है। देखिए मैंने इसे 2 मिनट तक हाई फ्लेम पर फिर से भून लिया है और ये मज़ेदार हमारा भुना खीमा बनकर तैयार है, जो बहुत ही आसानी से बन जाता है और बहुत ही टेस्टी भी बनता है। तो गैस की फ्लेम मैंने बंद कर दी है और गर्मा गर्म हम ये खीमा सर्व कर लेंगे। तो आपको ना प्याज भुनने की झंझट है, ना टमाटर गलाने की झंझट, बस एक ही साथ कीमा भी आपका पक जाएगा और साथ ही सभी चीज़ें भी। तो ये देखिए मैंने गार्निश कर लिया है और इसे हम हरी मिर्ची से गार्निश मैं कर रही हूँ और हरे धनिए के साथ। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और आप भी इसी तरीके से ये भुना खीमा ज़रूर बनाएं। तो इसे मैंने थोड़ा सा जूलियन कट किया हुआ अदरक से भी गार्निश कर लिया है इस तरह से। और रोटी पराठा या फिर आप इसे सर्व करें प्लेन राइस के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। मुझे बहुत पसंद आता है इस प्लेन राइस के साथ भी। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।